नमस्कार, सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त की बिहार सरकार की तरफ से बिहार राशन वितरण एवं बिहार राशन कार्ड के रिगार्डिंग जो है सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जो है बिहार सरकार ने अभी अभी जो यहां पर राशन वितरण में एवं राशन कार्ड में बहुत ही बड़ा जो है बदलाव किया गया है। जो है बिहार में बहुत सारे डीलर ऐसे है जो यहाँ पर गरीबों को अनाज वितरण करने के संबंध में यहाँ पर कालाबाजारी एवं धांधली कर रहे, अनियमितता जो यहाँ पर बरत रहे। सभी अधिकारियों ने मिलकर यहाँ पर सभी PDS एवं सभी डीलरों की यहाँ पर जाँच जो है शुरू कर दी है। इसको लेकर बिहार सरकार ने बिहार राशन वितरण में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत ही बड़ा जो यहाँ पर फैसला लिया गया है, जो आप लोगों की जान लेना काफी बेहद जरूरी है। अगर आप राशन का उठाव करते हैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है, तो ये खबर आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक आप लोग सरकारी योजना से नहीं जुड़े तो आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए। नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और बगल में बेल घंटी आ जाएगा, उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे सरकार की तरफ से कोई भी योजना की घोषणा करे सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे, आप लोग जान सके हम सरकारी योजना का लाभ उठा सके। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेस्ट अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं, जिस एप्लीकेशन का नाम है सीक्विन। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप लोग घर बैठे गेम खेलकर दिन का अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम में साइन अप होते ही आप लोग को 100 रुपए बोनस देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में मिनिमम 500 रुपए है, 500 रुपए होते ही आप लोग डायरेक्ट अपने खाते में विड्रॉल लगा सकते हैं, तुरंत जो है आपका बैंक खाते में आ जाएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग जाइए फटाफट से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और पैसा कमाना स्टार्ट कीजिए। 5 किलो की जगह 4 किलो मिल रहा गरीबों को अनाज करे सुधार। अब यहाँ पर देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे PDS दुकानदार है, बहुत सारे ऐसे डीलर है जो यहाँ पर गरीबों के बीच बिहार सरकार द्वारा एवं केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया फ्री राशन में जो वितरण करने के संबंध में जो है यहाँ पर गरीबों को जो है यहाँ पर प्रति मेंबर पर 5 kg मिलना चाहिए, उस मेंबर को जो यहाँ पर 4 kg जो यहाँ पर अनाज जो है दिया जा रहा है। इस संबंध में जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा फैसला लिया है कि यहाँ पर सभी अधिकारियों ने मिलकर सभी PDS दुकानदार एवं डीलरों की जांच रोक कर दी गई है। विधायक चेतन आनंद ने अनुमंडल पदाधिकारी से मिलकर जन वितरण की स्थिति से उन्हें अवगत कराया, कहा कि आम लोगों को 5 किलो की जगह 4 किलो राशन आपूर्ति किया जा रहा है, यह चिंतनीय है। उन्होंने SDO को इसमें त्वरित सुधार लाने का यहां पर निर्देश दिया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान उन्होंने पूर्णिया प्रखंड के थाना अस्पताल एवं अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें मौजूद लोगों की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों के साथ मिलकर समस्याओं का त्वरित समाधान कराया। साथ ही अंचला अधिकारियों एवं हो रही गड़बड़ी की ओर ध्यान दिलाया, चेतावनी दी कि इसमें सुधार करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे। विधायक ने अपने वेतन से प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र पर शुरू किया गया। फिर डीलर जो है राशन वितरण करने में कालाबाजारी कर रहे, धांधली कर रहे, अनियमितता बरत रहे। यहाँ पर अधिकारियों को जैसे यहाँ पर सूचना मिलते ही यहाँ पर सभी अधिकारियों की टीम ने जो यहाँ पर PDS दुकानदार यानी कि डीलर की जो यहाँ पर जाँच जो है शुरू कर दी है। इसमें यह भी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर जो है जन वितरण प्रणाली दुकान से मिल रहा है यहाँ पर खराब अनाज। अब देखिए यहाँ पर जो इसका सॉल्व जो है आप लोगों की कैसे करना है। प्रखंड के टाल क्षेत्र के भानपुर में अवस्थित जन वितरण प्रणाली दुकान में खराब अनाज देने से स्थानीय कारधारियों में काफी जो है नाराजगी देखी जा रही है। कारधारी ललित देवी सुमन महतो घटिया एवं सारा हुआ चावल दिखते हुए कहा कि दुकानदार काफी खराब चावल दे रहा है। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण सरकार ने 2 माह का राशन मुफ्त में देने की यहाँ पर घोषणा किया है। गरीब सरकार की ओर से दिए जाने वाले चावल के सहारे की बहुत हद तक निर्भर रहता है, जबकि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा लाभुकों को गुणवत्ता विहीन अनाज वितरण किया जा रहा है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर भी काफी असर पड़ेगा। लाभुकों ने कहा कि राशन दुकानदार वजन भी सही नहीं देते है, चेहरा देखकर अच्छा एवं खराब चावल दिया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आदमी चीन कर जो है राशन दुकानदार जो है यहाँ पर राशन का वितरण करते है, चेहरा देख देख कर। साफ साफ जो यहाँ पर लाभार्थियों ने यहाँ पर बताया गया, संबंध में संबंधित डीलर रामपदरात महतो ने बताया कि वजन सही दिया जा रहा है और जिस तरह का चावल हमें दिया गया है वही हम वितरण कर रहे हैं। आप लोगों की कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि अगर किसी भी डीलर के पास जो है बिहार सरकार द्वारा भेजा गया राशन जो है सारा हुआ चावल एवं सारा हुआ गेहूँ है, तो वे जो है यहाँ पर राशन कार्डधारियों के बीच जो है वितरण नहीं करेंगे। वे जो है वितरण को रोककर अधिकारियों के पास जो यहाँ पर सूचना देंगे, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उस डीलर को मिला हुआ सारा राशन जो
है चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि बदल दिया जाएगा। वे राशन जो है राशन कार्डधारियों के बीच जो है वितरण नहीं करेंगे। अगर वे जो है यहाँ पर सारा हुआ राशन वितरण करते हैं, आपको जो है तुरंत जो है लाभार्थियों को क्या करना है कि यहाँ पर आप लोग तुरंत जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मिली शिकायत दर्ज पर 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उस शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बिहार सरकार ने साफ साफ जो है दिशा निर्देश जारी कर दिया, जो आप लोग की पिछले वीडियो में जानकारी दिया। अधिकारियों ने की पीडीएस डीलरों की जांच, यानी कि यहाँ पर जो है सभी अधिकारियों ने मिलकर अधिकारियों की टीम जो है पीडीएस डीलरों की जो है यहाँ पर जांच जो यहाँ पर शुरू कर दी। यानी कि बहुत सारे ऐसे डीलर है जो यहाँ पर राशन वितरण करने में गरीब लाभुक परिवार के बीच जो है राशन वितरण करने में धांधली एवं कालाबाजारी अनियमितता जो है बरत रहे, इसको देखते हुए अधिकारियों को सूचना मिल गई है। इस सूचना पर जो यहाँ पर सभी पीडीएस डीलरों की जाँच जो है शुरू कर दी गई है। जिला अधिकारी शीर्षद कपिल अशोक की ओर से गठित कमेटी ने मंगलवार को प्रखंड क्षेत्र स्थित जुआफर पंचायत में 3 पीडीएस डीलरों के विरुद्ध जो है मिले कालाबाजारी और लाभुकों के हकमारी की शिकायत की जांच की। जो यहां पर पंचायत के मुखिया सह लोजपा नेता सोनू कुमार ने पिछले वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान चैनपुर के पीडीएस डीलर पवन कुमार राशन का निर्धारित कीमत से ज्यादा वसूल करने की, फ्री राशन न बांटते हुए कालाबाजारी करने तथा लाभुकों की हकमारी करने का आरोप लगाते हुए प्रखंड अनुमंडल तथा जिला प्रशासन को आवेदन देकर जांच की मांग की थी। उक्त आवेदन के आलोक में जिला अधिकारियों ने पीडीएस आपदा प्रबंधन अनिल कुमार के नेतृत्व में एसडीओ सदर सुमन कुमार, एसडीओ अरेराज सतीश रंजन तथा ढाका पीजीआरओ संजय कुमार की 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का यहां पर निर्देश दिया था। जांच कमेटी का नेतृत्व कर रहे पीडीएस अनिल कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाए गए हैं, आरोपी की गहराई से जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट तैयार कर बुधवार को जिला अधिकारी महोदय को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद जो है हो सकता है तो इस प्रकार के डीलर का लाइसेंस को भी यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। ऐसे डीलर को जो है तुरंत जो है लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि जो है काफी सारे ऐसे डीलर है जो राशन वितरण के बीच जो यहाँ पर मिलना चाहिए 5 केजी, जिस मेंबर पर दिया जा रहा है 4 केजी, यहाँ 1 केजी अनाज की जो है यहाँ पर कटौती की जा रही है। सभी पीडीएस दुकानदारों के द्वारा जो यहाँ पर सभी डीलरों ने इस प्रकार से हरकतें जो यहाँ पर कर रही है। अब जो यहाँ पर सभी अधिकारियों ने मिलकर सभी पीडीएस डीलरों की जाँच जो यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जो यहाँ पर सत्य पाया जा रहा है उसको जो यहाँ पर उस पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर हो सकता है तो उस डीलर का लाइसेंस को भी पर रद्द की जा रही है, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीलरों को मिली कर्धारियों को टीका दिलाने की जवाबदेही। आप जो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से जो आप लोग जो है बिहार सरकार की तरफ से जो ये खबर निकल कर आ रही है बिहार राशन वितरण के रिगार्डिंग, जो यहाँ पर ये जो है बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है कि सभी अधिकारियों की टीम मिलकर जो यहाँ पर पीडीएस दुकान को जो यहाँ पर जाँच की जा रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे इसके रिगार्डिंग। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।